हेलो व्यूअर्स वेलकम बैक टू माय चैनल उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे आज की ये वीडियो एक रिव्यू वीडियो है जिसमें मैं आपको विटामिन ई टैबलेट्स ऑफ न्यूट्री एंड एनवॉन कैप्सूल्स का डिफरेंस बताऊंगी वीडियो कहीं तक जरूर देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बात करते हैं न्यूट्री के की वाइटामिन ई e टैबलेट्स के बारे में तो सबसे पहले जी बात इसकी प्राइस है एट फिफ्टी इसमें थर्टी सॉफ्ट जेल्स हैं और ये सेफ टू यूज़ है मैंने इसे पर्सनली ट्राई किया है अब हर जेल के अंदर 400 हंड्रेड अमाउंट है आई मतलब इंटरनेशनल यूनिट यानी कि हर कैप्सूल में 400 हंड्रेड वाइटमिन ई मौजूद है एनियॉन कैप्सूल की बात करते हैं तो 30 टैबलेट्स की प्राइस है सिक्स हंड्रेड रुपीज़ सेफ टू यूज़ है मैंने इसे पर्सनली ट्राई किया है अब जो एनियॉन कैप्सूल्स मैं ट्राई कर रही हूँ वो है फो सिक्स हंड्रेड एम के सो so, बस यहाँ पर ये यह डिफरेंस है बाकी दोनों की तमाम प्रॉपर्टीज सेम है दोनों सेम ही बेनिफिट्स देते हैं आपको अब विटामिन ई e टैबलेट्स मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये आपकी किसी भी बॉडी ऑर्गन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बेहद ज़रूरी हैं विटामिन ई e टैबलेट्स एक पावर हाउस है एंटी ऑक्सीडेंट का अगर आपकी बॉडी में किसी भी किस्म का सेल डैमेज होता है या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पड़ता है तो आपकी बॉडी उसके एविडेंसेस देना शुरू करती है फॉर एग्जाम्पल स्किन की बात करते हैं तो स्किन के ऊपर जो हाइपर पिगमेंटेशन है टैनिंग है एक्नी एक्नी मार्क्स हैं या एक्नी हो जाती है वो वाइटामिन ई डेफिशिएंसी की वजह से होती है इसको रिवर्स किस तरह से कर सकते हैं आप कि रेगुलर बेसिस पर वाइटामिन ई को लें और तमाम इश्यूज़ आपके सॉल्व हो जाएंगे मोर ओवर वाइटामिन ई आपकी हार्ट हेल्थ के लिए ज़रूरी है आपके इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरी है आपकी ब्लड की प्रॉपर फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि नया खून बनेगा मतलब न्यू न्यूट्रंट्स आएंगे और आपके हेयर फॉलिकल स्ट्रॉग होंगे हेयर होंगे तो बाल जड़ों से मजबूत होंगे गिरेंगे नहीं और इस तरह से आपके बालों के तमाम हल होंगे मैंने जो किया को पे इस्तेमाल करने से वो ये है कि मेरे बालों में इलासिसिटी आ गई है पहले कंगा करने से बाल टूट जाते थे अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता उनमें जान आ गई है सो वाइटामिन ई ने मेरे बालों को बाउंसी किया है थिकर किया है उनमें इलासिसिटी है शाइन है और मेरे हेयर रिलेटेड तमाम इश्यूज सॉल्व हो गए हैं मैंने कुछ टाइम पहले वाइटामिन ई पे एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने मेंशन किया था कि अगर आप जवान रहना चाहते हैं तो वाइटामिन ई खाएं और लगाएं खाने के बेनिफिट्स ये हैं कि स्किन के लिए एंटी एजिंग का काम करता है रिंकल्स हैं फ्रैकल्स हैं हाइपर पिगमेंटेशन है और यू you नो know, ब्राउन पिगमेंट्स हैं स्किन के ऊपर और uh, स्किन ढलक गई है uh, एजिंग के साइन नजर आ रहे हैं देन आप वाइटामिन ई खाएं ग्रेजुअली वन मंथ के इस्तेमाल से आपको फील होगा कि योर स्किन इज अलो लॉट बेटर आपकी स्किन में मॉइस्चर है आपकी स्किन सॉफ्ट सफल लगती है हाइड्रेटेड लगती है और लगाने के बारे में ये है कि मैंने वाइटामिन ई e सीरम का रिव्यू दिया था ऑफ बॉडी शॉप वो भी बहुत अच्छा सीरम है और उसने मुझे मार्वलस रिजल्ट दिए हैं इवन आज तक मेरी नाइट स्किन के रूटीन में वो मस्ट हैव है बिकॉज उसके लगाते साथ ही जो मेरी स्किन के ऊपर के प्रॉब्लम्स थे जैसे कि एक्मी मार्क्स रह जाते हैं समहाव आप स्किन को ऊपर से मॉइस्चराइज़ करना चाहते हैं और आप एक ऐसा मॉइस्चराइजर चाहते हैं जो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए देन दैट इज़ वाइटमिन ई सीरम ऑफ बॉडी शॉप इट इज़ वन ऑफ माई होली ग्रेल प्रोडक्ट और इन शाला कमिंग डेज में मैं नाइट स्किन के रूटीन शेयर करूंगी दैन उसमें आपको मैंशन करूँगी वाइटामिन ई सीरम सो ये थे इनके डिफरेंसिस और ये थी इनकी सिमिलैरिटीज दोनों में कोई फर्क नहीं है सिवाय प्राइस के और दोनों ही अमेजिंग रिजल्ट देते हैं अब बात करते हैं कि आपने वाइटामिन ई सीरम को कब लेना है किसके साथ लेना है तो वाइटाम लेने का कोई टाइम नहीं होता देर इज नो स्पेसिफिक टाइम कि आपने कौन सा वाइटामिन कब लेना है सिर्फ कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज uh, हैं लेकिन आपने वाइटामिन ई सीरम को दूध के गिलास के साथ लेना है क्योंकि ये एक फैट सोलबल वाइटामिन है अब यहां पर बात है कि नाश्ते के बाद लेना है या नाश्ते से पहले लेना है तो सिर्फ एक चीज का ख्याल करें आप कि चाय के फौरन बाद कोई भी वाइटमिन न लें क्योंकि चाय ग्रीन टी कॉफी ये तमाम वाइटामिन को बॉडी में एब्जॉर्ब होने से रोकती है ये कर लें कि अगर आपने नाश्ते में चाय ली है तो उसके दो तीन घंटे बाद अपने वाइटमिन लें सो so, इस तरह से आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स आएंगे एंड यू विल सी द डिफरेंस मोरोवर अगर आपकी ड्राई स्किन है इची स्किन है या फिर सोरोस की कंडीशन है तो विटामिन ई e के इस्तेमाल से आपके तमाम इशूज सॉल्व हो जाएंगे खाने से भी फर्क आएगा क्योंकि ये सेल डैमेज को कंट्रोल करता है अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा हो गया है सेल मेमब्रेन डैमेज है तो तुम तमाम डैमेजेस को जाके रिपेयर करेगा और जो भी ऑर्गन्स उससे अफेक्टेड हुए हैं उनको जाके ये रेस्क्यू करेगा और ताकि वो ऑर्गन्स अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग करें अब वो कोई भी ऑर्गन हो सकता है आपके ओवरऑल इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है अगेन मैंने मेंशन किया कि ये पावर हाउस ऑफ एंटी है तो स्किन पे बालों पे भी इसके इफेक्ट्स हैं और मोर ओवर आपकी ओवरऑल इम्यून सिस्टम के लिए भी ये बेहद बेनिफिशियल है विटामिन ई e के नेचुरल रिसोर्स में नट्स शामिल हैं आप कोई भी नट्स ले सकते हैं आप प्लांट बेस्ड ऑयल लें जैसे कि ऑलिव ऑयल लें सनफ्लावर ऑयल लें दे आर रिच इन विटामिन ई आप इनको अपनी डाइट में ऐड करें सो so, आपकी तमाम डेफिशिएंसीज इससे भी सॉल्व हो जाएंगी मोर ओवर अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है आपको डायबिटीज़ है या आपकी बॉडी का बैलेंस प्रॉपर नहीं है अक्सर लोग होते हैं कि उनको बैलेंस या विजन प्रॉब्लम्स होती हैं या कुछ लोग शिकायत करते हैं कि उनके हाथ और पैर दर्द करते हैं सुन हो जाते हैं दैन वो भी वाइटमिन ई e को अपनी डाइट में रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करें और इवेंचुअली आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे मोर ओवर अगर आपको डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर का इशू है या फिर आप वो हैं जिसके हाथ और पैर सुन हो जाते हैं दर्द करते हैं या किसी किस्म का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जैसे कि आपका बैलेंस प्रॉपर नहीं है या आपको विजन में मसला है देन विटामिन ई आपकी इन तमाम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है इन केस अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करें इसका मेकनिज़म सेम है कि ये आपके सेल्स को रिपेयर करता है जब सेल्स रिपेयर होंगे आपकी तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे वो स्किन रिलेटेड हों हेयर रिलेटेड हो काफी सारे ऑयल्स होते हैं प्रेफर करते हैं डरमाटोलॉजिस्ट जो रिच इन विटामिन ई हो और आप उसे अपने पे लगाएं तो आपके स्कैप रिलेटेड इशूज सॉल्व हो जाते हैं इवन देखा गया है कि ऑयल्स रिच इन विटामिन ई प्रीमेच्योर ग्रे हेयर को भी रिवर्स कर सकते हैं और इसी तरह अगर आप वाइटामिन ई e ले रहे हैं तो स्किन रिलेटेड इशूज भी सॉल्व होंगे सीरम्स अप्लाई कर रहे हैं देन ओवरऑल ये ब्यूटी uh, पैकेज है एक टैबलेट और बहुत सारे इसके फवायद हैं तो आप इसे अभी से लेना स्टार्ट कर दें अपने अर्ली अर्ली ट्वेंटीज में थर्टीज़ में ताकि आगे जाके आपको किसी किस्म के कॉम्प्लिकेशंस ना हो आई रियली होप ये वीडियो आप सबके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आई सी द नेक्स्ट वीडियो टिल देन अल्लाह हाफिज़ टेक केयर